जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे टाइप 3 तक के क्वेश्चन को, आज उससे आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले सीखेंगे कि टाइप 4 में किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पढ़ना है अवयव का योग, अवयव का योग, ठीक है। यानी दो अवयव को हम जोड़ेंगे कैसे, इसका क्या कंडीशन होगा, क्या टर्म होगा, इस पर बात करेंगे। और दूसरा जो आपको पढ़ना है अवयव का घटाव या अंतर कह सकते हैं, दो अवयव का अंतर। तीसरा आपको पढ़ना है अवयव का गुना, अवयव का गुना। ये बहुत सिंपल है, अवयव का जोड़, अवयव का घटाव, आप बहुत आसानी से इसको सीख पाएंगे। अवयव का गुना भी जो है सिंपल है, बट थोड़ा सा ट्विस्ट वाला होता है, हाँ मजेदार होता है, काफी मजा आता है अवयव का गुना बनाने में। ये सब तो सिंपल है, जोड़ और घटाओ आसानी से आप अभी सीख जाएंगे तुरंत, लेकिन गुना में जो है आपको पहले बता दी कि थोड़ा सा ट्विस्ट रहता है, थोड़ा सा मजा आता है, यानी मजेदार तरीके से आप उसको बना सकते हैं, सीख सकते हैं। यदि आप गुना को सीखेंगे तो आपके अंदर एक अलग सा जो है एक अलग सा महसूस होता है कि वह गजब का एक कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले अवयव का जोड़, फिर अवयव का घटाव और फिर अवयव का गुना, बारी बारी से तीनों पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग अवयव का जोड़ सीख लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको यहां पढ़ाया जाएगा, ठीक है, वो भी बिल्कुल अलग लेवल का, बिल्कुल अलग तरीके से। अब आइए कि अवयव का जोड़, इससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताएंगे कि दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब उसकी कोटि समान होगी। पहला, दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं, दो अवयव को जोड़ेंगे यदि दोनों की कोटि समान हो, दोनों की कोटि समान हो, ठीक है। दो अवयव को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों अवयव की कोटि समान हो। दूसरा देखिए, दूसरा क्या, बस एक ही चीज इस पर ध्यान देना, आपको दूसरा चीज कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मान लिया जाए एक अवयव हम लिखे यहां पर a बराबर ये 3×3 कोटि का एक अवयव लिए। अब एक और अवयव हम यहां लेंगे b, एक और अवयव हम लेंगे यहां पर b, और आपको यह करना है एक अवयव यहां पर लिए ठीक है, a और b दो अवयव हम लिए, अब दोनों अवयव को जोड़ना है, यानी a प्लस बी का मान आपको निकालना है। क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल काम करना है, बहुत ही सिंपल। पहली चीज आपको क्या देखना है कि दोनों अवयव की कोटि समान होनी चाहिए। यदि ये 3×3 कोटि का है तो ये भी 3×3 कोटि का होना चाहिए, यदि ये 2×2 कोटि का है तो ये भी 2×2 कोटि का होना चाहिए। सबसे पहला चीज आपको ध्यान रखना है कि यदि कोटि समान है तभी आप दोनों को जोड़ सकते हैं, और यदि कोटि समान नहीं है तो दोनों को आप कभी नहीं जोड़ सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गया। दो अवयव को आप तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों की कोटि समान होगी, यदि दोनों अवयव की कोटि समान नहीं है तो आप दोनों अवयव को नहीं जोड़ सकते, नहीं जोड़ सकते, ठीक है। चलिए, अब जोड़ना कैसे है, तो यह बहुत ही सिंपल है। जोड़ना करना क्या है आपको, एकदम ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसान है। ये b है और ये a है,
ठीक है, आपको माइंड में रखना है एक छोटा सा चीज, क्या ये पहला अभियुक्त को उठा के या तो दूसरा पर रख दीजिए अपने, ये आपको माइंड में ऐसा चलना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि उठा के इस पर रख दीजिए, ऐसा नहीं करना है, आपके माइंड में ऐसा चलना चाहिए, ठीक है, पहला अभियुक्त को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा अभियुक्त को उठाकर पहला पर रख दीजिए, समझ में आ रहा है, पहला अभियुक्त को उठाकर दूसरा पर रख लीजिए या फिर दूसरा को उठाकर पहला पर रख लीजिए। जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा, जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसके साथ जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, हो गया अवयव का जोर। देखिए जब आप अपने माइंड में इसको उठाकर इस पर रखेंगे या इसी को उठाकर इस पर रखेंगे तो क्या होगा, एक के सामने कौन जाएगा, दो, तो दोनों को जोड़ेंगे तो एक और दो कितना हो गया, तीन, ठीक है। अच्छा ये दो के सामने कौन जाएगा, पांच, ये तीन के सामने कौन जाएगा, सात, बारी बारी से, चार के साथ कौन जाएगा, तीन, पांच के साथ कौन जाएगा, छह, तो छह पांच ग्यारह, ये छह के साथ नौ, तो नौ छह पंद्रह, यहां देखिए सात के साथ आठ, तो आठ सात पंद्रह, ये आठ के साथ ये सात, तो आठ सात पंद्रह, और नौ के साथ ये छ, तो नौ छ पंद्रह, ठीक है। तो ये जो आपका अभियुक्त बना ये है ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि यदि इसका कोटि तीन गुने तीन है, इसका भी कोटि तीन गुने तीन है, तो जो अभियुक्त योगफल आया, जो जोड़ कर आया, उसका भी कोटि तीन गुने तीन ही होगा। यानी दूसरा चीज इसमें यह जोड़ना है कि यदि आप दो अवयव को जोड़ते हैं तो उसके कोटि में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। यदि आप दो अवयव को जोड़ते हैं तो उसके कोटि में कोई परिवर्तन नहीं आता है, जो पहले कोटि था वही कोटि उसको जोड़ने पर भी प्राप्त होगा, ठीक है। तो दो अवयव को जोड़ने से कोटि अपरिवर्तित होता है, दो अवयव के योगफल, योगफल में कोटि अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। दो अवयव के योगफल में कोटि जो होता है वो क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। तो एक सवाल आपका बनता है, ध्यान दीजिएगा कि यदि a बराबर ए आई जे जिसकी कोटि है m गुने n, b बराबर बी आई जे इसकी कोटि भी है m गुने n, और यदि आप इसको जोड़ते हैं a प्लस बी, ए प्लस बी ए आई जे प्लस बी आई जे, तो इसकी कोटि क्या होगा, ठीक है। यदि आप दोनों अवयव को जोड़ते हैं तो उसकी कोटि क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो पहले कोटि था वही कोटि अभी भी होगा, यानी इसका भी कोटि m गुने n ही होगा, समझ में आ रहा है। यदि मान लिया जाए कि एक अवयव a है, इसकी कोटि है दो गुने तीन, दो गुने तीन, दूसरा अवयव आप मान लीजिए कि यहां लिए b, इसकी कोटि है तीन गुने दो, और आपसे कहा जाए कि क्या a प्लस बी निकालना संभव है, बताइए क्या a प्लस बी निकालना संभव है, तो आप कहेंगे बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि दो अवयव को आप तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों की कोटि क्या होगा, समान होगा। यहां पर देखिए इसका कोटि और इसका कोटि अलग अलग है ना, इसलिए आप इन दोनों अवयव को नहीं जोड़ पाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दो अवयव को आप तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों अवयव की कोटि समान होगी, दोनों अवयव का कोटि का मान हमेशा समान होगा, तभी आप दोनों को जोड़ पाएंगे। और जोड़ने के बाद जो कोटि होगा वह कोटि पहले वाले अवयव के बराबर ही होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करते हैं कि आपको अवयव का जोर आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार और इस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, पहला को उठाकर दूसरा पर रखना है या दूसरा को उठाकर पहला पर रखना है, जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी के साथ जोड़ना है
या फिर घटाने का कंडीशन होगा तो घटाना है। ठीक है, आसानी से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इस तरीके का सवाल आपके जो पीडीएफ है उसमें आपको मिलेगा, आप उसको बहुत ही आसानी से बना पाएंगे और बहुत अच्छा से सीख भी पाएंगे। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब सीखते हैं दो अव्यूह का अंतर। दो अव्यूह का अंतर आप जो अभी देखे हैं अव्यूह के योगफल में, वही चीज आपको अव्यूह के अंतर में भी देखना है। जैसे वहां पर जोड़ना है और यहां पर घटाना है, क्रिया सेम करना है, सब कुछ सेम है, केवल वहां पर जोड़ना है यहां पर घटाना है। देखिए क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज है कि दो अव्यूह को आप तभी घटा सकते हैं जब दोनों अव्यूह की कोटि क्या होगा, समान होगा। याद रखना है, दो अव्यूह को आप तभी घटा सकते हैं, दो अव्यूह को घटा सकते हैं यदि दोनों की कोटि समान हो, दोनों की कोटि समान हो। ठीक है, दो अव्यूह को घटा सकते हैं यदि दोनों की कोटि समान हो। दूसरा, यदि आप दोनों अव्यूह को घटाते हैं, अभी दूसरी बात बाद में लिखेंगे, पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और b बराबर 1, 5, 4, 3, 7, 9, 8। ठीक है, पहले तो देखिए इसकी कोटि क्या है, कोटि कैसे लिखते हैं, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ। तो पंक्ति कह गो 1, 2 को पंक्ति है, स्तंभ कह गो 1, 2, 3 को, यानी 2×3 कोटि का है। इसमें देखिए तो इसका भी आपका 2×3 कोटि है, यानी दोनों की कोटि क्या है, समान है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि तभी आप घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं जब दोनों अव्यूह की कोटि समान होगा। तो यहां पर कोटि समान है, आप इसको जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। अब आपको कहा जा रहा है कि a माइनस बी निकालना है। क्या निकालना है, a माइनस बी, यानी a में से b को घटाना है, अव्यव a के अव्यव में से b के अव्यव को घटाना है। क्लियर है, तो उसके लिए भी आपको सेम काम करना है। इसको उठाकर इस पर रख लीजिए या इसको उठाकर इस पर रख लीजिए, जो जिसके सामने गया उसको घटा लीजिए। ठीक है, जो जिसके सामने गया उसको घटा लीजिए। ध्यान रखना है कि किसको किस में से घटाना है। ठीक है, किसको किस में से घटाना है, तो यहां देखिए एक में से, यानी ए में से बी को घटाना है। कह रहा है ना कि ए में से बी को घटाना है, तो जब ए में से बी को घटाना है तो ए का अव्यव है 1 और बी का अव्यव है 5, तो एक में से 5 घटेगा, ऐसे ही ना घटेगा, एक में से 5 घटेगा तो कितना होगा, -4। अब 2 में से 4 घटेगा, तो 2 में से 4 घटेगा तो कितना होगा, -2 होगा। 3 में से 3 घटेगा तो कितना होगा, 0, यहां घटाइए। 4 में से 7 घटेगा तो कितना होगा, -3। 4 में से 7 घटेगा तो -3। अब 5 में से 9 घटेगा तो कितना होगा, घटा के देखिए ना, 5 में से 9 घटेगा तो -4 नहीं होगा, -4। अच्छा, यहां 6 में से 8 घटेगा, 6 में से 8 घटेगा तो -2, यहां -2। ठीक है, अब बताइए कि इसकी कोटि क्या है। देखिए इसमें 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है ना, ये हो गया आपका 2×3 कोटि का, घट गया, समझ में आ गया। तो जो अव्यूह आप देखे अभी, दूसरा तो यही लिख सकते हैं कि दो अव्यूह को यदि आप घटाते हैं तो दोनों अव्यूह को घटाने पर जो अव्यूह प्राप्त होता है उसका कोटि जो है पहले वाले अव्यूह के बराबर होता है, यानी उसकी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जोड़ने पर कोटि में परिवर्तन नहीं हुआ था, उसी प्रकार से दो अव्यूह को घटाने पर भी उसकी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, एक सवाल, यदि मान लिया जाए कि a बराबर aij m×n कोटि का कोई अव्यूह है और b बराबर bij यह भी m×n कोटि का कोई अव्यूह है, तो a माइनस बी बराबर
ए आई जे माइनस बी आई जे जो बनेगा इसकी कोटि क्या होगा, तो यह भी होगा आपका m गुने n कोटि का ना। या फिर आपसे ये कह दें कि a प्लस बी की कोटि क्या होगा, यानी ए आई जे प्लस बी आई जे इसकी कोटि क्या होगा, तो यह भी होगा m गुने n। या फिर आपको ये कह दें कि b माइनस ए की कोटि क्या होगा, यानी बी आई जे, अब क्या कह रहा है कि b में से a को घटाना है, यानी बी आई जे माइनस ए आई जे इसकी कोटि क्या होगा, तो यह भी होगा m गुने n। समझ में आ रहा है, यानी दो अभ्यूह को यदि आप जोड़ते हैं तो पहला कंडीशन है जोड़ते हैं या घटाते हैं, दोनों की बात हम कर लेते हैं, जोड़ेंगे या घटाएंगे तभी जब उसकी कोटि समान होगा। पहला कंडीशन, कोटि समान होगा तो जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। तो जोड़ने घटाने का कंडीशन क्या है, तो पहला को उठाकर दूसरा पर रख लीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दीजिए, अपने मन में जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसके साथ जोड़िए या घटाइए, ठीक है। उसके बाद जब जोड़ और घटाव करने के बाद जो आपका अवयव बनकर आता है, ठीक है, जो अवयव बनकर आता है यानी उसका आंसर बन के आता है, उसका भी कोटि जो है पहले वाले अवयव के बराबर होता है, यानी कोटि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां से आप आसानी से समझ गए होंगे जोड़ और घटाव, बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जोड़ घटाव का ये कंडीशन है, जो जिस अवयव के साथ संगत अवयव को संगत अवयव से जोड़ना है और संगत अवयव को संगत अवयव से घटाना है। संगत का मतलब आपको बता ही दिए हैं, वही होता है, एक को उठाकर दूसरा पर रख दीजिए या दूसरा को उठाकर पहला पर रख दीजिए, जो जिसके सामने गया वही उसका संगत कहलाया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसके गुणा की ओर, और यहां पर थोड़ा सा मजेदार कॉन्सेप्ट आपको भी देने वाले हैं। एक बार में आप आसानी से गुणा को सीख जाएंगे, और जब आप गुणा को सीख जाएंगे तो समझिए कि आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को गुणा में ही होता है, और गुणा सीख लीजिए आपका कंप्लीट है, ठीक है। आइए चलते हैं इसके गुणा की तरफ। चलिए आप देखते हैं अभ्यू का गुणा, देखिए सबसे पहली चीज हम देखेंगे अभ्यू को किसी कांस्टेंट से गुणा करने पर क्या होता है या कैसे गुणा करेंगे, किसी भी अभ्यू को किसी कांस्टेंट से कैसे गुणा करेंगे। उसके बाद दो अभ्यू का गुणा भी आपको सिखाएंगे। पहली चीज, जैसे मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, 4 ऐसा, और आपको कह दे कि 2a निकालना है, कितना निकालना है, 2a निकालना है, यानी ये कह रहा है कि अवयव a में जो है अवयव a के प्रत्येक अवयव में 2 से गुना कीजिए। समझ में आ रहा है, ये कह रहा है कि अवयव a जो है ना उसका जो अवयव है सब अवयव में आप 2 से गुना कर दीजिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए तो सभी अवयव में 2 से गुना करेंगे, यानी 2, 2 दुनी 4, 3 दुनी 6 और 4 दुनी 8, ये निकल गया आपका 2a का मान, कितना निकल गया 2a का मान। यदि आपको कहे कि 3a निकालना है, 3a, ठीक है, 3a निकालना है, तो क्या करना होगा, अवयव a के सभी अवयव में 3 से गुना, जब भी गुना करेंगे सभी अवयव में, अवयव में जब भी गुना करेंगे तो उसके सभी अवयव में गुना करेंगे, तो 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 3, 3 दुनी 6, 3 3 9 और 4 3 12, ठीक है। तो जब भी गुना करेंगे किसी कांस्टेंट से, यदि आप किसी अवयव में गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में आपको गुना करना है, कहां पर गुना करना है, अवयव के प्रत्येक अवयव में आपको बारी बारी से गुना करना है कांस्टेंट से। चलिए एक और एग्जांपल, मान लीजिए कि b बराबर -1, 3, 2, 6, -7, 8, इससे में आपको कोटि से कोई मतलब नहीं रहेगा, इसमें आपको कोटि से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब आप किसी कांस्टेंट से गुना कर रहे हैं तो उसमें आपको कोटि से कोई मतलब नहीं है, जो रहेगा वही है, आपको सीधे उसमें उसके सभी अवयव में जो है जो कांस्टेंट की बात करेगा उसे गुना कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको निकालना है -5a का मान, ठीक है, आपको यदि कह दे कि -5a का मान निकालना है, इसका यह मतलब है कि -5 से इसके सभी अवयव में गुना कर देना है। तो चलिए बारी बारी से गुना कर लीजिए, -1 में -5 से गुना कीजिए, -5 को 1 से गुना करेंगे 5, इसके बाद देखिए यहां माइनस यहां प्लस, तो प्लस माइनस -5 3 15, फिर प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, यहां देखिए प्लस यहां माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 5
30, और इसके बाद यहां माइनस है, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 7 × 5 = 35, और ये प्लस माइनस माइनस, 8 × 5 = 40, ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस 40। अब आप देखिए आसानी से गुना हो गया, तो अब एक चीज आप आसानी से समझ गए होंगे कि किसी भी अभ्यूह में यदि आपको कोई कांस्टेंट से गुना करना है तो गुना करने के लिए आसान काम करना है, उस अभ्यूह के सभी अवयव में उस कांस्टेंट से बारी बारी से गुना कर दीजिए, तो उस कांस्टेंट का ये आपका मान आसानी से निकल जाएगा। ये तो हो गया किसी कांस्टेंट से गुना करने की बात, ठीक है, जैसे आप किसी कांस्टेंट से गुना कर दिए तो ये इसके लिए आसान हो गया। अब देखते हैं कि दो अवयव को कैसे गुना करेंगे हम, जब दो अवयव आपको दे दिया जाएगा तो उसको कैसे गुना करेंगे, इस पर बात करते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं, चलिए अब ध्यान देते हैं कि दो अवयव को गुना कैसे करना। पहले एग्जांपल हम आपको देते हैं, मान लीजिए कि यहां a बराबर है 1, 2, 3, 4, और एक यहां लिखे b बराबर है 4, 5, 6, 7, मान लीजिए इसका कोटि कितना है 2×2, इसका कोटि कितना है 2×2। अब कह रहा है कि आपको ए बी का मान निकालना है, क्या निकालना है ए बी का मान, बहुत इत्मीनान से काम कीजिएगा, पहले एक ए पहले है तो ए को लिख लीजिए, उसके बाद बी है तो बी को भी लिख लीजिए, ए और बी लिख लिए, ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं ना, फिर से देखिए एक बार, ये और भी लिख लिए। अब गुना जो आपको करना है बहुत ही आराम से गुना करना है, और जैसे हम आपको बताते हैं वैसे ही गुना करना है। देखिए क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसका जो पहला पंक्ति है इसको पकड़ना है, पहला पंक्ति को क्या करना है, पकड़ना है, पकड़ लिए पहला पंक्ति को, पकड़ लीजिए और इसको पकड़ के जो है ऐसे ले जाइए और यहां लाके ऐसे घुमा दीजिए, जैसे यहां से सीधा ले जाना है यहां लाके घुमा देना है, यहां से सीधा ले जाना है यहां लाके घुमा देना है, ठीक है, और जो अवयव जिस अवयव के सामने जाएगा उसको उसी से गुना कर लेना है। बोलिए तो यदि आप इसको उठाकर यहां से यहां लाएंगे, यहां से यहां लाएंगे और इस पर पहला पर, इस पर यहां से उठा के यहां लाइए और घुमा दीजिए इसको ऐसे, तो एक यहां जाएगा और दो जो है यहां आएगा, नहीं आएगा, एक ऊपर जाएगा दो नीचे आएगा, तो एक को चार से गुना करेंगे तो कितना होगा 4, बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह रखना है, या फिर आप दोनों अवयव को गुना करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसका प्लस है इसका भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, और 6 × 2 = 12, इसका काम खत्म, ठीक है। अब क्या करना है कि इसी को उठाकर इसके अगले कॉलम पर रखना है, इसी को उठाकर यानी पहला को ही पकड़ना है, पहला को ही, ये पहला को ही पकड़ना है, और फिर इसी को उठाकर इसके अगले कॉलम पर रखना है, तो जब इसको उठाकर फिर ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, एक जाएगा 5 के साइड और यहां 2 जाएगा 7 के साइड, तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 और बीच में प्लस, 7 × 2 = 14, ठीक है, इधर का कॉलम खत्म, बात खत्म। अब क्या करना है कि दूसरा को पकड़ना है, दूसरा को, अब फिर वही काम करना है जो पहले किए थे, वही काम अभी भी करना है, इसको उठा के यहां से ले जाना है और यहां पर ले जाकर घुमा देना है, तो 3 जाएगा 4 के पास, नहीं तो हो जाएगा 4 × 3 = 12 और प्लस 4 जाएगा 6 के पास, यानी 6 × 6 = 24, ठीक है। फिर आप इसी को उठाकर अगले कॉलम पर ले जाना है तो कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15 और प्लस 7 × 6 = 28, जोड़ लीजिए आसानी से, इसको जोड़ दीजिए, काम बन गया आपका। कुछ और चीज़ें सीखना है, ये तो अभी इसका बेसिक चीज बता रहे, इसमें कुछ और चीज़ें अभी आपको देखना है, आराम से देखिए पूरा का पूरा समझ में आएगा। 12 × 4 = 16, यानी ए बी है ना ए बी बराबर कितना आ जाएगा 12 × 4 = 16, और इधर हो जाएगा 14 × 5 = 19, यहाँ हो जाएगा 24 × 12 26 × 10 = 36, और यहाँ हो जाएगा आपका 28 × 15 28 × 5 = 33 + 10 = 43, ये हो गया, और इसका कोटि कितना है तो 2×2, ठीक है। पहली चीज आप एक चीज ये समझ लीजिए कि यदि दोनों अवयव की कोटि समान है तो उसको आप गुना कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों अवयव की कोटि यदि समान है तो उसको आप आसानी से गुना कर सकते हैं, दिक्कत है,
दोनों अभियुग की कोटि यदि समान है तो दोनों को आपस में आसानी से गुना कर सकते हैं। गुना करना कैसे है अभी आप देख लिए हैं, एक दो एग्जाम्पल और हम आपको देंगे, आराम से समझ जाइएगा। देखिए क्या करना है, फिर से एक बार, पहला जो आपका पंक्ति है, ये जो पहला पंक्ति है इसको पकड़ना है, इसको ऐसे पकड़ के ए पर पहले पर रखना है, फिर इस पर रखना है, इसको यहाँ पकड़ना है, यहाँ लाके इसे घुमाना है, यहाँ से ऐसे पकड़ना है, यहाँ लाके ऐसे घुमाना है, अब पहले इस पर रखना है और फिर इस पर रखना है। इस पर रखेंगे, जो अवयव जिसके सामने जाएगा उसको गुना कर लेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह या जो होगा प्लस माइनस माइनस जो भी होगा डालेंगे, ठीक है। अब फिर इसी को उठाकर दूसरा पर रखेंगे, यदि मान लीजिए कि बगल में एगो और होता तो इसको उठाकर एक बार और रखते, एगो और होता तो एक बार और रखते, यानी जब तक कॉलम खत्म नहीं होगा तब तक ये क्रिया आपको लगातार जारी रखना है, ठीक है। यहां पर दुइये को कॉलम था तो दो बार के बाद खत्म, उसके बाद क्या करना है, दूसरा को उठाना है, दूसरा पंक्ति को फेरू, और दूसरा पंक्ति को उठाकर फिर इस पर रखना है, फिर उठा इस पर रखना है, ठीक है, और वैसे ही गुना करके जोड़ देना है तो ए बी का मान निकल जाएगा, ठीक है। एक तो आप यहां से इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, अभी और कुछ बात करने वाले हैं इस पर, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। देखिए, एक तो अभी आप देखिए कि जब दो अवयव की कोटि समान होगा तो उसको आप आसानी से गुना कर सकते हैं, जब दो अवयव की कोटि समान नहीं होगा फिर भी आप गुना कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है अभी आप समझिए फिर गुना देख लेते हैं। पहली चीज आपको क्या करना है, एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि ए बराबर, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक दो तीन, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि हम आपको क्या बोले हैं कि पंक्ति को ऐसे उठाना है, पहला पंक्ति को ऐसे उठाना है और इधर वाला पर ऐसे रखना है, इधर से ऐसे उठाना है और इधर ऐसे रखना है। इसका क्या मतलब हो रहा है कि जितना इसके पंक्ति में अवयव है उतना ही दूसरा के स्तंभ में अवयव होना चाहिए, तब ना संगत को संगत से गुना करेंगे। समझ में आ रहा है? देखा, जितना पहला के पंक्ति में अवयव होगा उतना ही दूसरा के स्तंभ में अवयव होना चाहिए, उतना ही दूसरा के स्तंभ में अवयव होना चाहिए, ठीक है। यहां ध्यान से देखिएगा, इसकी कोटि यदि देखा जाए तो इसका कोटि है आपका एक गुने तीन, और इसकी कोटि यदि देखा जाए तो इसका कोटि है आपका तीन गुने एक। एक चीज आपको कॉमन दिखा, यहां जितना स्तंभ है यहां उतना ही पंक्ति होना चाहिए, यानी ये हो गया आपका m गुने n और ये हो गया आपका m, ये भी आपका m गुने n। तो देखिए, जो यहां पर n का मान है वह यहां m का मान है, यानी m और n का मान यदि बराबर होगा तो आप दोनों अवयव को गुना कर सकते हैं। यदि कोटि समान नहीं है तो गुना करने के लिए दूसरा कंडीशन इसका है, तभी आप गुना कर सकते हैं जब दोनों अवयव में जो पहला का n का मान है और जो दूसरा के m का मान है यदि बराबर होगा तभी आप दोनों अवयव को गुना कर सकते हैं, अन्यथा गुना नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया? पहला के n का मान और दूसरा के m का मान, कहने का मतलब है पहला का स्तंभ और दूसरा की पंक्ति यदि समान है तभी आप दोनों को आपस में गुना कर पाएंगे, अन्यथा दोनों को आपस में गुना नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अन्यथा दोनों को आपस में गुना नहीं कर पाएंगे। चलिए, तो अब हम इसका गुना करके आपको दिखाते हैं ए बी का गुना क्या होगा, कैसे गुना करना है। तो इसको उठाना है, ऐसे उठा कर ले जाना है, इस पर इन्ना करके रख देना है ना, तो जब इसको उठाकर यहां से ऐसे ले गए या फिर इसको ऐसे घुमाकर रख दिए तो क्या हो गया, एक गया चार के साथ, दो गया पांच के साथ और तीन गया छह के साथ, तो बारी बारी से गुना कर दीजिए। एक को चार से गुना करेंगे तो चार एक चार और बीच में प्लस का चिन्ह चार, इसके बाद पांच दूनी दस प्लस छत्रे अठारह, सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए सबको, कितना गया, दस चार चौदह, चौदह आठ, चौदह आठ हो गया बाईस, दस बत्तीस, बत्तीस ये आपका अवयव बन गया, ठीक है, ये आपका ए बी का मान निकल गया कितना, बत्तीस। अब देखिए कि इसकी कोटि क्या है, तो एक गुने एक, नहीं एगो पंक्ति है एगो स्तंभ है, तो इसका कोटि कितना हो गया, एक गुने एक, कितना हो गया, एक गुने एक। तो एक चीज यहां से और निकल के आ रहा है,
पहला चीज तो ये निकल के आया कि a और b को गुना आप तभी कर सकते हैं यदि a बराबर ए आई जे एम गुने एन कोटि का व्यू है और इसके बाद b बराबर बी आई जे, यह भी m गुने एन कोटि का व्यू है। ठीक है, तो दोनों को आप गुना कर सकते हैं, यानी ए बी का मान यदि आप निकालना चाहेंगे तो तभी निकाल पाएंगे जब m और n का मान बराबर हो। पहली चीज, ए बी निकालने के लिए m और n का मान बराबर होना चाहिए, यानी n बराबर m होना चाहिए। यह पहला कंडीशन है कि इसके जो स्तंभ का मान है इसके पंक्ति के मान के बराबर होना चाहिए, तभी आप गुना कर पाएंगे। चलिए, बराबर यदि हो जाएगा तो गुना जब आप कीजिएगा तो गुना करके जो अभ्यू बनेगा उसकी कोटि क्या होगी, तो उसका कोटि होगा इसके m के बराबर और इसके n के बराबर, इसके m के बराबर और इसके n के बराबर, यानी इसका पहला और इसका दूसरा यदि आप गुना करेंगे तो उसकी कोटि बन जाएगी। यहां से आप देख सकते हैं इसके पहला में एक है और इसके दूसरा में भी एक है, इसलिए इसकी कोटि कितना निकल कर आया है, एक गुने एक। कितना निकल के आया है, एक गुने एक। समझ में आ गया, गुना कब कर सकते हैं, तो तभी गुना करेंगे जब इसके n का मान और इसके m का मान बराबर होगा तो गुना कर लेंगे, और गुना करने के बाद जो उसकी कोटि होगी, गुणनफल की कोटि होगी, वो कोटि कौन होगा, तो इसके m और इसके n के गुणनफल के बराबर होगा। ये m और n के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा, जो स्पष्ट रूप से यहां पर आपको दिख रहा है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं यहां से, देखिए यहां पर एक और एग्जाम्पल हम अभी लिए हैं, a बराबर है एक दो तीन और यहां b बराबर है आपका चार पांच छ। सबसे पहले तो इसकी कोटि देख लीजिए, इसमें तीन को पंक्ति है, एक दो तीन पंक्ति है, एक स्तंभ है, यानी तीन गुण एक कोटि का है। दूसरा इसका देखिए तो एक के को पंक्ति है, स्तंभ का गो एक दो तीन को, यानी यह एक गुने तीन कोटि का है। दोनों को आपस में गुना कर सकते हैं या नहीं सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है कि इसका जो है, ध्यान से देखिएगा, इसका दूसरा वाला और इसका पहला वाला देखिएगा, यदि दोनों सेम टू सेम है तो आपस में गुना कर सकते हैं, और यदि दोनों अलग अलग है तो आपस में गुना नहीं कर सकते। क्लियर है, इसका दूसरा वाला और इसका पहला वाला देखिएगा, यदि दोनों सेम टू सेम है तो इसको आपस में गुना कर सकते हैं, अन्यथा इसको आपस में गुना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, यहां पर दोनों सेम टू सेम है यानी गुना कर सकते हैं, तो ए बी का मान हम निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, ए बी का मान निकालना चाह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। क्या करना है, पहला पंक्ति को पकड़ना है, पहला पंक्ति को, तो एक के गो अवयव है ना, इसको उठाकर और यहां पर ले जाना है, ऐसे कर देना है। तो ऐसे करेंगे तो कितना होगा, एक के गो है तो यह पड़ जाएगा, तो चार को एक से गुना करेंगे कितना होगा, चार है। अब दूसरा कोई इधर रहता तब ना उसको गुना करके जोड़ते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। चलिए, तो फिर इसी पंक्ति को उठाकर अगले स्तंभ पर, तो कितना हो जाएगा, पांच इकाई पांच, फिर इसी को उठाकर अगला पर तो कितना हो जाएगा, छ इकाई छ, हो गया स्तंभ खत्म हो गया। यह स्तंभ है ना इसका, देखिए यह स्तंभ है आपका, स्तंभ है, यह पंक्ति है ना। चलिए, तो अब इधर तो स्तंभ खत्म हो गया, तो चलिए पहला पंक्ति का काम खत्म हो गया। अब आइए दूसरे पंक्ति को उठाइए, फिर यहां से इसको उठाकर फिर इस पर ऐसे कर दीजिए, तो चार दूना आठ, अब तो कोई है नहीं। ठीक है, फिर इसी को उठाकर दूसरा पर ले जाइए, तो पांच दूनी दस, फिर इसी को उठाकर तीसरा पर ले जाइए तो छह दूनी बारह। अब यहां देखिए चार तियाई बारह, फिर पांच तियाई पंद्रह और छह त्री अठारह। अब ध्यान से देखिए कि जो गुना करके आया उसकी कोटि क्या है, तो तीन गुने तीन, और आपको बताए भी हैं कि यदि आप गुना करते हैं तो उसकी कोटि जो होगा, ध्यान से देखिएगा कोटि क्या होगा, देखिएगा यहां से, ये देखिए इसके पहला वाला और इसके दूसरा वाला के गुणनफल के बराबर होगा, तो ये इसकी कोटि है तीन गुने तीन। तो इससे यह अर्थ स्पष्ट होता है कि आपका गुना भी सही है, उसकी कोटि भी सही है, और गुना करने लायक था भी, गुना करने लायक है या नहीं यहां से पता चलेगा, इसका दूसरा और इसका पहला यदि बराबर है तो गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो गुना कर लिए, और गुना करने के बाद यदि आपको कोटि चेक करना है कि कितने कोटि का अभ्यू होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसका पहला वाला और इसका दूसरा वाला का गुणनफल देखिएगा, तो उसके कोटि के बराबर हो जाएगा। तो देख लीजिए यहां पर कोटि के बराबर है। ठीक है, तो अब आप आसानी से जो है किसी भी अभ्यू को गुना कर सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हैं जोड़ घटाओ और गुना से संबंधित सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा।
आप जाकर सभी क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।